इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है आसमान में बहुत सारी नीली रोशनी को दिखाते हुए, जो कि लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ इस नीली रोशनी ने कब्जा कर लिया था और सभी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे थे। अब हमें जैरेड और एलन नाम के दो कपल दिखाए जाते हैं जो कि एक कमरे में मौजूद होते हैं। अचानक वो नीली रोशनी उनके भी कमरे के काफी पास आ गई, जिससे कि देखते ही जैरेड खड़ा हो जाता है। जैरेड अपनी वाइफ को साइड में करके उसे देखने चला गया था, लेकिन अब जैरेड अचानक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस रोशनी की तरफ जाता ही जा रहा था। हमें फिर दिखाया गया कि जैरेड के चेहरे पर वो नीली रोशनी पड़ने लगी और उसका पूरा चेहरा ही बदल जाता है। उसकी पूरी बॉडी पर बहुत ही अजीब तरीके के चेंजेस होने लगे थे और पूरे ब्लड वेसल्स दिखने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो नीली रोशनी किसी भी तरीके से उनकी बॉडी में चेंजेस कर रही है और इंसानों को अपने कंट्रोल में कर अपने साथ लेकर जा रही है। जैरेड की वाइफ एलन देखकर बहुत चिल्ला रही थी और तभी ये सीन यहीं पर ब्लैंक हो गया। अब हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर जैरेड और एलन फ्लाइट में मौजूद थे। वो दोनों तो लगातार लास वेगस की तरफ जा रहे होते हैं अपने फ्रेंड की एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। प्लेटफॉर्म से उतरने के बाद वो सभी जल्द से जल्द आगे बढ़ रहे थे अपने दोस्त के अपार्टमेंट में, जिसका नाम टेरी होता है और वो अपनी वाइफ नेटली के साथ रहा करता था। उनके घर में तो एक असिस्टेंट भी होती है जो सभी कामों में उनकी मदद करती थी। जैरेड और एलन भी जल्द से जल्द टेरी के घर पर पहुंच जाते हैं और काफी एंजॉय करने लगते हैं। रात के समय वो सभी एंजॉय करने के लिए नाइट क्लब में चले गए थे। वहां पर बहुत सारे मोमेंट शेयर करने के बाद टेरी का एक दोस्त जैरेड से पूछता है उसके काम के लिए कि तुम अपने जॉब पर वापस कब जा रहे हो। जैरेड ने ये जवाब दे दिया कि मैं कल ही जॉब के लिए निकल रहा हूं। ये बात सुनते ही एलेक्स काफी ज्यादा नाराज हो गई और वहां से कहीं दूर चली गई। जैरेड भी एलेक्स की इस बात से बहुत ही नाराज हो जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद जैरेड उसके पास आकर पूछ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई। तब जाकर जैरेड बताता है कि एलन बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं उसे छोड़कर अपने जॉब पर जाऊं। आखिर मैं अगर जॉब पे नहीं जाऊंगा तो हमारे फ्यूचर के लिए पैसे कैसे इकट्ठा हो पाएंगे। यही रीजन होता है कि एलेक्स बार बार ये ट्राई कर रही थी कि जैरेड उसके पास ही रुक जाए। जैरेड और एलेक्स के बीच बहुत ही ज्यादा डिस्कशन होने लगी और फिर जाकर एलेक्स उसे सच्चाई बता देती है। उसने जैरेड को कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बात सुनते ही जैरेड के होश हवास उड़ गए। दरअसल जैरेड अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता कि उसे इतनी जल्दी कोई भी बच्चा नहीं चाहिए, इसीलिए उसका भी मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसे ये सारी चीजों के लिए अभी वो रेडी नहीं था। हालांकि यहाँ पर बाकी लोग तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की नाइट पार्टी एकदम से बेकार हो गई। अब यहाँ रात के समय हमें दिखाया जाता है कि आसमान से वही नीली रोशनी लगातार नीचे गिर रही है। ये रोशनी एक अजीब तरीके की रेडिएशन छोड़ रही थी, जिससे कि सभी इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो वो सभी कमांड दे रहे थे उसी को फॉलो करते जा रहे होते हैं। टेरी का एक फ्रेंड तो लगातार उस नीली रोशनी की तरफ जाता है और उसके ऊपर रोशनी पड़ते ही वो वहां से गायब हो गया था। ये सारी आवाजें सुनकर जैरेड और एलेक्स तुरंत ही उठ जाते हैं और जैरेड उस नीली रोशनी को देखने के लिए चला गया था। यहीं से कहानी का शुरुआत वाला सीन स्टार्ट हो जाता है, जब जैरेड पूरी तरीके से उस रोशनी के कंट्रोल में हो चुका था। उसका पूरा चेहरा एकदम बदल जाता है, जैसे कि वो कोई शैतान में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन अब जैसे ही वो रोशनी जैरेड को भी अपने साथ लेकर जाती, तभी टेरी वहां आ जाता है और अपने दोस्त को धक्का देकर दूर कर देता है। वो नीली रोशनी भी अब वहां से कहीं दूर चली गई थी, जिससे कि जैरेड एकदम बेहोश हो गया। उस जगह पर तो जल्द से जल्द टेरी की वाइफ और एलेक्स भी आ जाते हैं, जो काफी ज्यादा टेंशन में थे। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। टेरी ने नोटिस किया कि वो सारी नीली रोशनी वाले ऊपर की तरफ वापस जा रहे हैं। थोड़ी देर के अंदर ही जैरेड वापस से नॉर्मल हो चुका था। अब वो दोनों जैसे ही बाहर की तरफ देख रहे होते हैं, तभी उन्हें टेरेस के ऊपर दो आदमी खड़े हुए दिखाई दिए थे। इन्हीं सारी चीजों का पता लगाने के लिए अब टेरी और जैरेड निकल पड़े होते हैं टेरेस की तरफ। रास्ते में वो जैसे ही चलते जा रहे थे, तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा डरा हुआ था इन सारे इंसिडेंट के कारण, इसीलिए वो उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन टेरी और जैरेड ने उस बूढ़े आदमी को गाइड किया कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, तुम्हें जल्द से जल्द कमरे के अंदर चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ खतरा हो सकता था। वो बूढ़ा आदमी वहां से तुरंत ही चला जाता है। अब यहाँ टेरी और जैरेड तुरंत ही टेरेस के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वहां का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और वो पूरा लॉक हो जाता है। लेकिन अब जैसे ही उन दोनों ने आसमान की तरफ देखा, तो एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप हमारे एनवायरनमेंट में इंटर हो रही थी। ये तो एक बहुत ही बड़ी मदर स्पेसशिप होती है, जो लगातार सभी इंसानों को अपने अंदर खींचती चली जा रही थी। और जो नीली रोशनी होती है चारों तरफ, जो कि लगातार इंसानों को कंट्रोल
कंट्रोल कर रहे थे वो और कुछ नहीं बल्कि इस मदरशिप द्वारा भेजे गए ड्रोन्स होते हैं। ये ड्रोन्स हिप्नोटाइज करने वाली रोशनी इंसानों के ऊपर छोड़ रही थी जिससे कि सभी इंसान इनके कंट्रोल में आ जाते और मदरशिप उन्हीं इंसानों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जा रही थी। जेरेड और टेरी इन सारी चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए क्योंकि ये एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है जिन्होंने शायद अब हमारी पृथ्वी के ऊपर हमला कर दिया है। आखिर वो दोनों उस सिचुएशन में क्या करे उन्हें कुछ समझता ही नहीं। तभी अचानक थोड़ी देर के अंदर ही उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा ड्रोन आ जाता है जिसने कि जेरेड और टेरी की लोकेशन का पता लगा लिया था। जेरेड और टेरी तुरंत ही अपनी जान बचाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से लॉक था। हालांकि टेरी ने उसके ऊपर मल्टीपल गन भी चला दिए थे लेकिन वो दरवाजा तो ओपन ही नहीं होता। अब तो वो एलियन ड्रोन उन दोनों के ऊपर आ चुका था जो कि ब्लू रोशनी उनके ऊपर फेंकना स्टार्ट कर देता है। तभी दरवाजे को एलेक्स ने ओपन कर दिया था लेकिन ड्रोन से निकल रही उस रोशनी को एलेक्स सीधा देखने लग जाती है जिससे कि वो उसके कंट्रोल में होने लगी। उसकी पूरी आंखें और चेहरा एकदम बदलने लगता है लेकिन जेरेड और टेरी तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाकर एलेक्स को अंदर खींचते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं जिससे कि वो ड्रोन भी वहां से कहीं दूर चला गया था। इन सारी चीजों से एलेक्स को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है लेकिन थोड़ी देर तक आराम करने के बाद उसका भी चेहरा एकदम नॉर्मल हो गया था। अब सभी लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे कि आखिरकार इससे बाहर निकलने के लिए क्या किया जाए। जेरेड ने तो उन एलियन ड्रोन्स के पिक्चर्स भी क्लिक किए थे और उससे ये पता लगाते हैं कि ये सारे एलियंस रोबोट हैं। इनके पास कोई भी मांसपेशियों वाली बॉडी नहीं होती बल्कि इनकी बॉडी एक अलग ही मटेरियल से बनी हुई होती है जो पृथ्वी पर पाई नहीं जाती। सभी लोग घबराए थे लेकिन टेरी कहता है कि मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा। दरअसल टेरी का प्लान होता है कि वो एक कार की मदद से यहाँ से दूर निकल जाए, इसीलिए वो कार की चाबियां चुराने के लिए उस बूढ़े अंकल के घर में चला जाता है जो कि काफी डर कर एक कोने में बैठे हुए थे। टेरी अब जैसे ही कार की चाबियां लेने गया तभी उसे खिड़की की तरफ दिखाई देता है कि एक एलियन उसकी तरफ आ रहा है। ये एलियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था इसीलिए टेरी ने बूढ़े अंकल को किचन के नीचे छुपा दिया। पहली बार टेरी उन एलियंस को इतने पास से देख रहा था जो किसी ऑक्टोपस जैसे दिखते हैं और उनके बड़े बड़े टेंटिकल्स मौजूद थे। वो हाइब्रिड एलियन तो अब जल्द से जल्द घर के अंदर घुसने लगा ताकि वो बचे हुए इंसानों को भी अपने साथ लेकर जाए। तभी अचानक उस बूढ़े आदमी का कुत्ता वहां से भागने लगता है जिसे कि उस एलियन ने पकड़ लिया था। वो बूढ़ा आदमी इस तरीके से अपने कुत्ते को कैसे मरने देता, वो भी वहां से चला जाता है एलियन की तरफ। वो एलियन पूरी तरीके से बूढ़े आदमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा था। टेरी इन सारी चीजों को देखते ही तुरंत ही उसके ऊपर फायर करता है और वहां से लगातार भागने लगता है क्योंकि इस तरीके से वो इन हाइब्रिड एलियन से लड़ाई बिल्कुल नहीं कर सकता। जल्द से जल्द टेरी अपने बाकी दोस्तों के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी चीजें बताता है कि वो सारे एलियंस अब बिल्डिंग के अंदर भी घुसना स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि वो सब इस जगह पर भी जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। और अब ये सारी चीजें पता चलने के बाद जेरेड कहने लगा कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम यहाँ से कहीं सेफ जगह पर चले जाएंगे क्योंकि एलियंस बिल्डिंग के अंदर घुस चुके हैं। लेकिन अचानक एलेक्स इस बात से मना करने लगती है क्योंकि वो एलियंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर उन्होंने हमें इस तरीके से देख लिया तो सभी को जान से मार देंगे। उन सभी में बहुत ही ज्यादा डिस्कशन चालू हो जाती है क्योंकि सभी काफी डरे हुए थे। लेकिन तभी अचानक एक और एलियन आवाजें सुनकर उनकी फ्लाइट के पास में आ जाता है जो लगातार चारों तरफ नीली रोशनी फैलाने लगा था। इन चीजों को देखकर जेरेड और टेरी सभी को एक कोने में छुपा देते हैं जो कि उस रोशनी को ना देख पाए ताकि वो सभी लोग ड्रोन द्वारा छोड़ी गई उस रोशनी को ना देख पाए। वो ड्रोन थोड़ी देर तक उस जगह पर उड़ता रहता है और जब उसे कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देती तो वो वहां से दूर चला गया था। आखिरकार अब इस इंसिडेंट के बाद सारी लेडीज कन्विंस हो चुकी थी यहाँ से बाहर जाने के लिए। जेरेड और टेरी उन तीनों को गाइड कर रहे थे और अब लिफ्ट के माध्यम से वो लोग पार्किंग एरिया में चले आए। वो सभी तो कार के अंदर बैठकर एक सेफ जगह पर निकलना चाहते थे जहाँ ये सारे एलियंस ना मौजूद हों। अब यहाँ जेरेड और टेरी जैसे ही कार में बैठकर वहां से दूर जा रहे होते हैं तभी उनके सामने एक और कपल मौजूद था जो काफी डरा हुआ होता है। हालांकि जेरेड इंसानियत के नाते उनसे पूछ रहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन कपल में से जो हस्बैंड होता है वो काफी गुस्से में उससे चिल्लाने लगा और कहता है कि तुम अपनी जान बचाने पर फोकस करो। ये बात सुनते ही जेरेड और टेरी तुरंत ही अपनी अपनी कार लेकर वहां से दूर निकलने लगे। हालांकि उन्हें लग रहा था कि वो कार की मदद से जल्द एक सेफ जगह पर पहुंचकर एलियन से बच जाएंगे। लेकिन अब जैसे ही टेरी की कार बाहर की तरफ निकलती है तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ा एलियन आ जाता है जिसने कि अपने बड़े से पैर की मदद से उसकी पूरी कार को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। टेरी की असिस्टेंट तो उसमें बुरी तरीके से मारी जाती है लेकिन टेरी अपनी
अपनी जान बचाकर बाहर तो निकल गया था। उस एलियन का साइज तो किसी बिल्डिंग जितना बड़ा होता है जो सामने आने वाले सारे इंसानों को मारता जा रहा था। जेरेड और उसकी वाइफ एलेक्स किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर पीछे की तरफ आ रहे थे। हालांकि जेरेड पूरी कोशिश करता है अपने दोस्त टेरी को बचाने के लिए, लेकिन तभी अचानक पीछे से उसी भयानक क्रिएचर ने अपनी एक टेंटिकल बाहर निकाली और टेरी को पकड़कर अपने पास खींच लिया। उन एलियंस की इतने बड़े स्ट्रक्चर की वजह से टेरी की तुरंत ही मौत हो जाती है। लेकिन अब यहाँ जेरेड जितने भी लोग बचे हुए थे उन्हें लेकर अंदर की तरफ भागने लगा, लेकिन वो सभी लोग वहां पर भी सेफ नहीं होते। अचानक उनके सामने काफी बड़े बड़े टेंटिकल वाला एलियन आ जाता है जो कि ब्लू लाइट अपने सिस्टम के अंदर से निकाल रहा था, और इसी लाइट को वहां पर मौजूद एक कपल ने देख लिया होता है। उस लेडी का हस्बैंड तो पूरी तरीके से अब एलियन के कंट्रोल में हो चुका था जो कि अब लगातार उसकी तरफ बढ़ता रहता है। उस लेडी के हस्बैंड को एलियन ने तुरंत ही अपने टेंटिकल की मदद से बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। लेडी बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए वहां से दूर भागने लगती है, जिसके पास अब जेरेड और बाकी सारे लोग पहुंच चुके थे। हालांकि वो बेसमेंट का दरवाजा ओपन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से लॉक हो चुका था। अब और कोई रास्ता ना होने के कारण वो टेंटिकल वाला एलियन लगातार उनकी तरफ बढ़ते चला जा रहा था चोट पहुंचाने के लिए। लेकिन अचानक बीच रास्ते में एक कार आ गई और उसने एलियन को टक्कर मार दी। दरअसल ये पूरे बिल्डिंग का ओनर होता है जो यहाँ सभी को बचाने आ गया था। उस एलियन के पूरी तरीके से मरने के बाद टेरी का एक दोस्त बाहर निकल जाता है। हालांकि उसकी जान तो नहीं गई थी लेकिन वो पूरी तरीके से अधमरा हो गया था। सभी को लग रहा होता है कि वो उस आदमी को बचा लेंगे, लेकिन अचानक से पीछे मौजूद वही टेंटिकल वाला एलियन अपने एक टेंटिकल को उसके सर को पकड़ता है और तुरंत ही उसे अलग करके जान से मार देता है। उस एलियन ने आदमी का दिमाग अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया था जिससे कि वो लिटरली में वापस से पहले जैसा हो जाता है, जैसे कि इंसानी दिमाग ने उसे ताकत दे दी हो। लेकिन अब इतने समय तक कंपनी के ओनर ने उस दरवाजे को ओपन कर दिया था, जिसकी मदद से जेरेड के साथ मौजूद सभी लोग अब उस दरवाजे से होते हुए बाहर निकलने लगे थे। हमें अब शहर के अंदर दिखाया गया कि काफी बड़े बड़े एलियन स्ट्रक्चर्स और टेंटिकल वाले एलियंस सभी लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं और वो मोस्टली इंसानों को मारकर उनके दिमाग को अपने अंदर ले ले रहे थे। यानी कि इन सारे एलियन क्रिएचर्स का रिलेशन इंसानों के दिमाग से हो सकता है, शायद इन्हें इंसानों का दिमाग खाने से पावर्स मिलती हों। लेकिन अब जेरेड अपनी वाइफ को बचाते हुए उस ओनर के साथ डायरेक्टली टेरी के अपार्टमेंट में आ जाता है। हालांकि वो थोड़े समय के लिए इस अपार्टमेंट में सेफ तो रह सकते हैं, लेकिन जेरेड नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो कब तक रहेंगे। वो सभी एलियंस हमारे बारे में जल्द से जल्द पता लगा कि यहाँ पर भी हमला करने आ जाएंगे। अब यहाँ कुछ घंटों बाद जेरेड कह रहा था कि हमें पानी वाले रास्ते की तरफ एक बोट लेनी चाहिए और दूर कहीं समुद्र में निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि ये सारे एलियंस पानी की तरफ नहीं जा रहे थे। शायद हो सकता है कि ये सभी लोग पानी से डरते हों। लेकिन वो ओनर जेरेड की बातों के अगेंस्ट में कह रहा था कि हमें ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बात कंफर्म भी नहीं है कि पानी में जाने के बाद भी वो एलियंस हमारे पर हमला नहीं करेंगे, और इससे हमारे पास जितने भी लोग बचे हुए हैं उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। जेरेड इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे यहाँ से निकलना होता है। अब वो ओनर टीवी ऑन करता है जिस पर दिखाया गया था कि कई सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट वहां पर पहुंच चुके हैं जो लगातार उन एलियंस की मदरशिप के ऊपर फायर करते जा रहे थे। हालांकि इन सारी चीजों में ड्रोन्स की वजह से कई सारे फाइटिंग जेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि मदरशिप उनकी मूवमेंट पर प्रॉपरली ट्रैक कर पा रही थी। लेकिन एक फाइटिंग जेट के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल होती है जिन्होंने तुरंत ही फायर कर दिया था उस मिसाइल को मदरशिप की तरफ। वो न्यूक्लियर मिसाइल सीधा मदरशिप के ऊपर जाकर ब्लास्ट हो गई, जिससे कि मदरशिप जो हवा में मौजूद थी वो जल्द से जल्द नीचे गिर जाती है। मदरशिप के तो पूरे टुकड़े हो गए थे। अब यहाँ सभी को लगने लगा कि शायद एलियंस हार चुके हैं और वो इस तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगले ही मोमेंट में पता चला कि वहां पर मौजूद जितने भी एलियन ड्रोन्स होते हैं वो मदरशिप की अलग अलग पार्ट्स को वापस से जोड़ रहे थे और उन्हें रिपेयर कर रहे थे। यानी कि कुछ समय के अंदर ही वो सारे ड्रोन्स मदरशिप को वापस से पहले जैसा कर देंगे। अब ये सारी चीजें देखने के बाद तो जेरेड एकदम गुस्सा हो गया था और वो ओनर को मारने लगा क्योंकि उसे यहाँ से कैसे भी जाना था। ओनर भी अब जेरेड के साथ लड़ाई करने लगता है, लेकिन जेरेड के अंदर अचानक कुछ पावर्स आ गई। उसका चेहरा फिर से पहले जैसा होने लगा, जैसा कि नीली रोशनी देखकर हुआ था। जेरेड तो अपने एक हाथ से उस मोटे ओनर को पकड़कर ऊपर उठा लेता है। ओनर भी बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि आखिर जेरेड को हुआ क्या। लेकिन कुछ समय बाद जेरेड नॉर्मल हो जाता है और उसने ओनर को छोड़ दिया था। एलेक्स तो अपने हस्बैंड जेरेड को काफी गौर से देखने लगी थी कि आखिर उसके बॉडी में कैसी चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन जेरेड उसे कन्विंस करता है कि मैं पहले जैसा हो जाऊंगा, सिर्फ मुझे कुछ टाइम चाहिए।
फिलहाल के लिए जेरेड अपनी वाइफ से कुछ बातें करने के लिए उसे टेरेस के ऊपर लेकर चला गया था। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स मौजूद हैं, जो कि वहाँ पर लोगों की मदद करने आए थे। इसीलिए अब जेरेड और एलेक्स लगातार उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने लगे ताकि उन सभी को रेस्क्यू किया जा सके। वहीं अब हमें टेरी की असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो कि दीवार के पास एक टेलीस्कोप से सभी के ऊपर नजर रख रही थी। लेकिन अचानक खिड़की के ऊपर एक और एलियन आ जाता है, जिसने की नीली रोशनी फेंकना स्टार्ट कर दिया, और इसी रोशनी को अचानक वो असिस्टेंट देख लेती है। और अब उस रोशनी के पूरी तरीके से कंट्रोल में होने के कारण वो खिड़की खोलकर उसके पास जाने लगी। हालांकि उनर असिस्टेंट को बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक टेंटिकल वाले एलियन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था और असिस्टेंट की जान ही ले ली थी। तभी अचानक एक फाइटिंग जेट ने उसके ऊपर हमला करके एलियन को खत्म कर दिया, जिससे फिलहाल के लिए उनर की जान तो बच जाती है, लेकिन इस धमाके के कारण नीचे मौजूद एक बहुत ही बड़ा एलियन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा था। उसने तो उनर को देख लिया था कि वो कहां पर छुपा हुआ है, इसीलिए अब वो बड़ा सा एलियन लगातार ओनर की तरफ आने लगा। ओनर तुरंत ही अपार्टमेंट के अंदर चला गया और वहां से कहीं छुपने की कोशिश कर रहा था। वहीं अब हमें एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है, जो कि टेरेस पर आ रहा होता है। जेरेड और एलेक्स तो इस बात से खुश हो रहे थे कि वो बच जाएंगे, लेकिन तभी एलियन की एक बहुत ही बड़ी टेंटिकल ने हेलीकॉप्टर को ही पकड़ दिया और वहां पर ब्लास्ट कर दिया। हेलीकॉप्टर तो पूरी तरीके से नीचे गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। आसमान में तो फाइटिंग जेट्स और एलियन ड्रोन्स के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो गई थी, जिससे बचने के लिए जेरेड और एलेक्स नीचे की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर एक और टेंटिकल वाला क्रिएचर होता है, यानी कि वो बुरी तरीके से टेरेस पर ही फंस गए थे। ना तो वो वहां से नीचे जा सकते थे और ना ही रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आ सकता था। अब जैसे ही वो दोनों भाग रहे थे, तभी टेंटिकल वाले क्रिएचर ने एलेक्स को पकड़ लिया था। जेरेड इस तरीके से अपनी वाइफ को मरने तो नहीं दे सकता था, इसीलिए उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है वो लगा उससे क्रिएचर को मारता जाता है। हालांकि एक भी वार उसके टेंटिकल या बॉडी पर लग नहीं रहा था, लेकिन जेरेड इस तरीके से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं होता। अब अचानक उसी एलियन क्रिएचर ने टेंटिकल की मदद से जेरेड के पैर पर हमला कर दिया, और अब तो वो पूरा रेडी होता है जेरेड को जान से मारने के लिए। लेकिन यहाँ एलेक्स अपने हस्बैंड को बचाने के लिए दूसरी कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे हमला करने लगी। वो तो एक ऐसी जगह पर मारती है जिससे कि उस एलियन क्रिएचर का दिमाग ही बाहर निकल गया। हालांकि उस एलियन को इतना घायल के बावजूद भी वो मरा नहीं होता। उसने तो अब जेरेड को छोड़कर एलेक्स के ऊपर ही पलटवार कर दिया था और उसे मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन हमें दिखाई देता है कि जेरेड के चेहरे पर फिर से कुछ चेंजेस होने लगे हैं और वो पहले की तरह काफी एग्रेसिव हो चुका था। जेरेड तुरंत ही उस एलियन की तरफ जाता है और उसे काफी फुर्ती से मारने लगता है। ऐसी अनजानी ताकत जेरेड के बॉडी में पहले कभी नहीं आई थी। उसके हाथ में जो भी हथियार मिल रहे थे वो उसकी मदद से एलियन को मारता जा रहा था और अपनी वाइफ को बचा लेता है। वहीं अब हम अपार्टमेंट में ओनर को देखते हैं, जिसकी खिड़की तोड़ते हुए एक बहुत ही बड़ा एलियन उसे मारने के लिए आ रहा था। ओनर को इतना तो पता चल गया होता है कि वो बिल्कुल भी बचने नहीं वाला, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो चारों तरफ गैसेस फैला देगा और एक लाइटर जलाकर खुद भी मरेगा और उस एलियन को भी मारेगा। हालांकि वो सारी जगहों पर गैसेस फैला तो देता है, लेकिन जब वो एलियन उसके पास आकर उसे पकड़ने लगा तो लाइटर जलाने की जब बारी आती है तो वो लाइटर काम ही नहीं करता, यानी कि अब वो ओनर बुरी तरीके से मरने वाला था। लेकिन एंड मोमेंट पर वो लाइटर जल जाता है और एक चेन रिएक्शन होने के कारण वहां काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में ओनर की तो मृत्यु हो जाती है और उस एलियन को थोड़ा सा डैमेज हुआ था। लेकिन अब वो बड़ा सा टेंटिकल वाला एलियन एकदम टेरेस पर चला गया, जहां पर जेरेड और एलेक्स मौजूद थे। वो दोनों भी काफी घायल हो चुके होते हैं, जो अपनी जान बचाकर यहां से वहां भाग रहे थे। आसमान में जितने भी सारे फाइटिंग जेट्स होते हैं वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि एलियंस को खत्म किया जाए, और अब अचानक से एक फाइटिंग जेट पूरा डिस्ट्रॉय होकर नीचे की तरफ गिरने लगा, जो एक समय पर लग रहा था कि जेरेड और एलेक्स के ऊपर गिर जाएगा, पर वो दोनों किसी भी तरीके से डॉज करते हुए नीचे बैठ जाते हैं, जिससे कि वो फाइटिंग जेट बहुत ही ज्यादा स्पीड में आकर उस बड़े से एलियन को लग चुका था। वो धमाका इतना बड़ा होता है कि एलियन डैमेज खाकर पूरा नीचे गिर गया था। इससे उस बड़े से एलियन की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो वापस अब इस तरीके से फिर कभी नहीं उठ पाएगा। टेरेस के ऊपर जेरेड और एलेक्स तो बुरी तरीके से फंस चुके थे, जहां से उन्हें निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन अगले ही मोमेंट में ठीक उनके सामने मदर स्पेसशिप आ जाती है, जो कि एक अलग तरीके की रेडिएशन छोड़ते हुए उन दोनों को अपने अंदर खींचने लगी थी। जेरेड और एलेन इन सारी चीजों में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अब फाइटिंग जेट्स भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उन दोनों को जल्द से जल्द स्पेसशिप के अंदर ले लिया जाता है, जिसके बाद हमें पूरी पृथ्वी का एक दृश्य दिखाया गया, जहां पर सारे इंसान ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं।
हैं। वो सारे ड्रोन्स और टेंटिकल वाले एलियंस ने सभी इंसानों के दिमाग को निकाल लिया होता है, जो कि वो ट्रांसफर करते जा रहे थे अपने मदरशिप के अंदर। अब थोड़ी देर बाद हमें एलेक्स दिखाई जाती है, जो वो नोटिस कर रही थी अपने आसपास बहुत सारे डेड बॉडीज को। ये वही लोग होते हैं जिन्हें की कंट्रोल करके मदरशिप के अंदर ले लिया जाता है। तभी एलेक्स ने ये देखा कि वहाँ मौजूद काफी सारे एलियंस इंसानों के दिमाग को बाहर निकाल रहे हैं और उसे किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं। दरअसल इन एडवांस एलियंस को हम इंसानों के दिमाग की जरूरत थी, जिनके दिमाग को वो किसी अपने ही एलियन की आर्टिफिशियल बॉडी में डालकर उन्हें जिंदा कर देते और इससे उनकी नए एलियंस प्रजाति का निर्माण होता। एलियंस यही चाहते थे कि उनकी आबादी लगातार बढ़ती रहे और वो पृथ्वी जैसे प्लैनेट के ऊपर राज करें। एलेक्स के सामने तो उसके हस्बैंड जेरेट का भी दिमाग बाहर निकाल लिया गया था, जो कि रेड कलर का चमक रहा होता है। लेकिन अब यहाँ एलेक्स को तुरंत कोई चोट नहीं पहुंचाया गया। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है, क्योंकि एलेक्स प्रेग्नेंट थी और वो सभी एलेक्स को पकड़कर एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं। एलेक्स अब ये चीज नोटिस करती है कि वहाँ पर जितने भी इंसानों के दिमाग निकाले गए थे, लेकिन जेरेट का दिमाग रेड कलर का था। अब थोड़ी देर के अंदर जैसे ही जेरेट का दिमाग एक दूसरे एलियन की बॉडी में डाला गया, तभी अचानक उस एलियन की बॉडी एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो तो अपने बनाने वाले क्रिएटर्स के ऊपर ही हमला करने लगी और सभी को खत्म करने लगी। थोड़ी ही देर के अंदर जेरेट का दिमाग जिस एलियन बॉडी में डाला गया होता है, वो एलेक्स के पास आकर उसे बड़े प्यार से टच करने लगा था। यानी कि इसका सिंपल मतलब ये होता है कि भले ही जेरेट मर चुका है, लेकिन उसका दिमाग जिस एलियन बॉडी के अंदर है, वो उसकी मदद से ही पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है। जेरेट तो अब लगातार अपनी वाइफ और अपने होने वाले बच्चे को प्रोटेक्ट करने लगा उन सारे एलियन से, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। यानी कि जेरेट मरने के बाद भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय-बाय।